खमागनी दोस्तों, मैं हूं विशाल जैन, फाउंडर ऑफ इन्वेस्टिंग ट्री। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज फर्स्ट टाइम हम कोई स्टॉक जो कि हमारी पोर्टफोलियो के अंदर है और हम उसे हर डिप के अंदर बाय करना चाहेंगे, उसके ऊपर पूरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ में शेयर करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए। एंड आप कोई और स्टॉक के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उस स्टॉक को डेफिनेटली कवर करें। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से हाँ, एक और चीज़, ये जो स्टॉक है, एक छोटा सा हिंट, निफ्टी आईटी से बिलोंग करता है। स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के अंदर हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ देख सकते हैं, एट प्रेजेंट निफ्टी एक मंथली जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। डिमांड जोन, सबसे पहले मैं आपको डिमांड जोन के बारे में ब्रीफ करता हूँ। डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बाय पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हों। तो एट प्रेजेंट निफ्टी एक मंथली डिमांड जोन में ट्रेड करी है। ऑल्दो यहाँ से एक मूव दे रखा है निफ्टी ने, बट स्टिल निफ्टी कैन गिव अनदर मूव फ्रॉम दिस एरिया। देन इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, दिस वन, जो कि 14,800 से 14,151 पर है। उसके जस्ट नीचे ऑलमोस्ट 14,000 से लगाकर 13,600 के आसपास एक और डिमांड जोन है। कहने का मतलब 16,000 अभी एट प्रेजेंट हम ट्रेड कर रहे हैं, 16,000 से लगाकर 13,600 के बीच में हमारे पास में तीन एरियाज आते हैं जहां पर बाय एरिया है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक बाय करने का सिग्नल दे रहा है हमारी स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं अपन लोग निफ्टी आईटी की। सो निफ्टी आईटी के अंदर भी मैं आपको सबसे पहले मैं क्वार्टरली जोन दिखाता हूं आपको। अगर मैं क्वार्टरली डिमांड जोन आपको दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसने जस्ट टच किया है हमारा क्वार्टरली डिमांड जोन। अगेन द एरिया वेयर इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स आर प्रेजेंट और द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑर्डर्स इज वेरी हाई नियर टू दिस डिमांड जोन्स। तो एट प्रेजेंट निफ्टी आईटी भी हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक मूव आ सकता है, एटलीस्ट मार्केट साइडवेज हो सकता है, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक अप मूव दे सकते हैं। तो ये एक एरिया होता है बाय का। उसके बाद में अगर मैं मंथली में जाता हूँ वापस, तो आप मंथली में देखेंगे इसी क्वार्टरली के अंदर मेरे पास में एक डिमांड जोन यहां पर है, एक डिमांड जोन मेरे पास में यहां पर है। आप मर्ज भी कर सकते हैं इन दोनों डिमांड जोन्स को। देन मेरे पास में एक डिमांड जोन जो है वो है यहां पर नियर 23,000 के आसपास, एंड देन एक डिमांड जोन है यहां पर। तो कहने का मतलब निफ्टी आईटी के अंदर भी निफ्टी की तरह अगर मुझे डिप्स मिलती है तो अब मुझे डेफिनेटली बाय करना चाहिए बिकॉज हम लोग बॉटम को कैच नहीं कर सकते। तो ये जो भी एरियाज है, मंथली डिमांड जोन्स हो गया, क्वार्टरली डिमांड जोन्स हो गया, हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी आईटी यहां से वापस एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे स्टॉक की। सो लेट मी टेल यू द स्टॉक, द नेम ऑफ द स्टॉक इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वार्टरली से। तो क्वार्टरली के अंदर एक डिमांड जोन थी, जैसे निफ्टी आईटी के अंदर मैंने आपको बताया था डिमांड जोन, सेम उसी तरीके की एक डिमांड जोन टाटा एलेक्सी में भी थी, जहां से प्राइसेस आई और आप देख सकते हैं इमीडिएटली प्राइसेस रिवर्ट बैक कर गई। यही पावर होती है फ्रेंड्स डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की। अगर हमने एक क्वालिटी का डिमांड जोन ढूंढा है तो डेफिनेटली प्राइसेस वहां से रिवर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी क्वार्टरली डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करिए। अब वापस से इस क्वार्टरली डिमांड जोन के आसपास अगर टाटा एलेक्सी आता है तो ये एक बाय सिग्नल होगा। अब मैं आपको मंथली पर एक बार लेके चलता हूं। मंथली में अगर आप देखेंगे तो इसी क्वार्टरली के अंदर एक मंथली डिमांड जोन आता है जो कि इस क्वार्टरली डिमांड जोन के बॉटम के अंदर है। मंथली डिमांड जोन यहां पर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं क्वांटिटीज। देन एक डिमांड जोन यहां पर है 4775 के अराउंड, देन एक डिमांड जोन यहां पर है और एक डिमांड जोन हमारा यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स निफ्टी आईटी एंड निफ्टी की तरह ही टाटा एलेक्सी के अंदर भी आप देखेंगे तो हर डिप्स के अंदर यहाँ पर एक क्वालिटी का मेरे पास में डिमांड जोन है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर डिप्स अगर मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली मुझे टेक्निकली भी सिप करने का एक सीधा सीधा इंडिकेशन है कि मैं यहाँ पर सिप कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस के बाय ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी 500 के जितने भी आईटी कंपनीज है उनका पूरा डेटा है कि अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है उनकी और वो 52 वीक हाई से कितना नीचे हैं। आप देख सकते हैं
कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर में पेन आया है तो वो निफ्टी आईटी के अंदर आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी आईटी के 31 शेयर्स लिए हैं निफ्टी 500 में से। उन 3100 शेयर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 शेयर्स फ्रेंड्स ने ज़्यादा, सॉरी 30 शेयर्स ने मोर देन 20% से ज़्यादा का फॉल दिया है। सिर्फ एक शेयर ऐसा है जिसने 20% से कम फॉल दिया है, वो है टाटा एलेक्सी फ्रेंड्स। इनफैक्ट TCS को अगर मैं हटा दूं तो सारे बाकी 29 स्टॉक्स ने मोर देन 25% का फॉल दिया है। और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की बात करूं, जैसे कि मोबाइल रूट हो गया, LTI हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड, माइंड ट्री, कोफोर्ज, KPIT टैक, टेक महिंद्रा, ऐसे क्वालिटी आईटी स्टॉक्स ने भी जहां पर 40-50-55% तक के डाउनफॉल हमको दिए हैं 52 वीक हाई से, वहां पर टाटा एलेक्सी ने सिर्फ और सिर्फ 12% का फॉल दिया है फ्रेंड्स। बात सिर्फ निफ्टी आईटी की नहीं है, अगर आप निफ्टी के भी स्टॉक्स देखेंगे तो 80% से ज़्यादा स्टॉक के अंदर आपको 12% से ज़्यादा का फॉल मिलेगा। दो तीन पावर सेक्टर या फिर दो तीन ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को हम छोड़ दें, उसके अलावा सारे स्टॉक्स के अंदर हमको फॉल देखने को मिला है निफ्टी के अंदर भी। तो फ्रेंड्स, इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन कि टाटा एलेक्सी शेयर जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जहां पर हर स्टॉक नीचे गिरे, यानी कि मैं नैसडेक की बात करूं तो अगर एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसे शेयर्स भी इतना नीचे गिरे, वहां पर टाटा एलेक्सी अपनी जगह के ऊपर बना हुआ है। दूसरा भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यार ये अब तक नहीं गिरा तो भाई अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत नीचे गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही केसेस मैं मानता हूं कि मेरे लिए फेवरेबल हैं। पहला ऑब्वियसली मैं इसको एज अ सिप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, इसके लिए मुझे फायदा है ये अगर स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो। सेकंड, अगर इसमें मुझे डिप्स मिलती है, यानी कि अगर ये नीचे गिरता है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज मैं चाहता हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करनी। तो ये अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे ये शेयर सस्ता ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका बिज़नेस मॉडल की। बिज़नेस मॉडल से पहले मैं बात करूंगी टाटा एलेक्सी, जो टाटा वर्ड इससे जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी अच्छा ब्रांड नेम कोई भी कंपनी से जुड़ा होता है या फिर उसके साथ में एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट जुड़ा हो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रस्ट है वो 10-20% बिल्डअप हो ही जाता है, एंड सेम गोज़ विद दिस कंपनी। तो बिल्डअप हो गया है ट्रस्ट, अब इसकी बात करेंगे हम बिज़नेस मॉडल की। जो बिज़नेस मॉडल है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। आई नो कि आपको इन सब टर्म्स से कुछ भी समझ नहीं आया होगा। वॉट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँगी कि इसका जो है बेसिक काम क्या है। ये एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, टू हेल्थ केयर सेक्टर एंड टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। अगर सबसे पहले बात करूँ मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो अभी जो है केस जो शब्द है वो बहुत फेमस है। केस का मैं आपको डेरिवेशन करती हूँ। सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस, एस स्टैंड्स फॉर शेयर्ड एंड ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। ये जितनी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल्स है, इससे रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग हो गया, या फिर इसका जितना भी डिज़ाइनिंग है, इनको ब्रांड नेम बनाना है, तो A to Z जो है वो ये पर्टिकुलर कंपनी टाटा एलेक्सी है प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। एंड EV शब्द से ऑटोमेटिकली जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो एंड इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो इससे भी एक प्लस फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। देन सेकेंडली बात करूँगी हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी ग्लोबली जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो जो भी हेल्थ केयर सेक्टर से जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं इन द आईटी सेक्टर, तो उसमें भी टाटा एलेक्सी जो है वो मदद करता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की। देन थर्डली मीडिया एंड कम्युनिकेशन, OTT प्लेटफॉर्म्स को कौन नहीं जानता, नेटफ्लिक्स जैसे है, तो उन पर्टिकुलर कंपनीज़ को भी कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स नए नए इनोवेशंस लेके आए, कैसे वो अपने सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करें, उससे रिलेटेड भी ये सारी हेल्प करता है एंड उससे रिलेटेड सारा काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल लर्निंग हो गया, वो सारा कुछ A to Z जो भी IT सेक्टर से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड है, ये सारा जो काम है ये टाटा एलेक्सी करती है।
अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले जो ROCE है वो अराउंड 47.7% है एंड ROE जो है वो 37.2% है, विच इज़ वेरी गुड। एंड इसके अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की, विच इज़ 14.8%, जनरली 10-15% वी एक्सपेक्ट के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए, तो इस हिसाब से ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। देन डेट टू इक्विटी इज़ 0.09, विच इज़ हार्डली नेग्लिजिबल। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग इज 44.1%। एंड आगे मैं डिस्कस करूँगी कि ये कंसिस्टेंट है, FII एंड DII की होल्डिंग भी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं देखूँ तो 50.4% है, सेल्स ग्रोथ इज 35.3% एंड कैश रिच कंपनी भी है। इसके साथ ही अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, पिछले 10 सालों में अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो इट्स इंक्रीजिंग ओनली, विच इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली हर कोई खुश होगा ऐसे चार्ट को देख के अगर आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। देन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करेंगे तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए अगर मार्च, फॉर एग्जांपल मार्च 2020 में उसकी अगर 1 रुपए की सेल है, तो वी एक्सपेक्ट कि जो भी नेक्स्ट ईयर का सेम क्वार्टर है जैसे मार्च 2021, तो उसमें कुछ ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्च 20 में 439 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2021 में 518 है एंड 2022 में 682 है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ भी जो है वो अच्छी है हर ईयर के हिसाब से। देन जून 2020 को मैं कंपेयर करूँ, दैट इज़ 400, जो कि ऑटोमेटिकली 558 हुआ है। एंड अभी के आने रिजल्ट्स बाकी है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर जो कि जून के थे उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। OPM लेवल पे भी आप देखेंगे इट्स प्रिटी गुड, 30%, 32%, 27%, विच इज़ वेरी गुड। एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो इसमें भी एक थम्स अप आता ही है। देन अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूँ तो 849, देन 1075, 1237 ईयर ऑन ईयर भी है, ये अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है OPM लेवल पर भी, एंड EPS भी इसका अच्छा खासा है। अब अगर मैं बात करूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे पिछले 3 सालों से सेम 44% स्ट्रेट है, कुछ भी चेंज नहीं आया है प्रमोटर शेयर होल्डिंग में, जो कि एक थम्स अप है। FII की शेयर होल्डिंग भी अच्छी है एंड लास्ट क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज भी की है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव प्लस पॉइंट फॉर देम। देन DIS की भी थोड़ी हल्की उन्होंने घटाई है, लेकिन अभी भी 4.94%, दैट इज़ 5% की उनकी अभी भी शेयर होल्डिंग है, पब्लिक की 37%। तो इस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं बात करूँ इनके लेटेस्ट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ऑपरेटिंग रेवेन्यू में अराउंड 35.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, EBITDA एंड मार्जिन लेवल पे 46% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, PBT एंड मार्जिन लेवल पे 45% एंड PAT मार्जिन है 50%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अगर मैं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज 681 एज कंपेयर टू क्वार्टर थ्री की 7.3% का इसमें ग्रोथ आई है। अगर क्वार्टर फोर जो है फाइनेंशियल ईयर 21 का उसका अभी फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 31% की है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो 30% से ऊपर ही है ईयर ऑन ईयर की, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छी है EBITDA लेवल, EBIT, PBT लेवल पे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। ROE, ROCE, डेट टू इक्विटी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आर वेरी गुड एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है, एंड इनका एक्सपीरियंस भी जो है वो अराउंड 30 इयर्स का है, तो वो भी एक थम्स अप आता है इसमें। बात करते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस की। इस अगर सबसे पहले बात करें ईवी सेगमेंट की, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड मैक्सिमम वी आर इंपोर्टिंग,
तो क्योंकि गवर्नमेंट के फॉरेन रिजर्व्स भी डिप्लीट होते हैं, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है इन फ्यूचर। देन सेकेंडली अगर मैं बात करूँ टीवी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, वी आर यू एंड आई नो दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत प्रेफरेबल है बाय एवरीवन, एंड जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर रेट ऑफ अराउंड 20-25%, तो इसका भी स्कोप अच्छा है। देन फार्मा जो है वो क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है तो इट्स एक्सपेक्टेड कि वो भी अच्छे बूम पे आएगी। तो ओवरऑल अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ एंड इन सेक्टर्स को उनसे कनेक्ट करते हैं तो इसका टाटा एलेक्सी का जो है वो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। देन एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप देखेंगे जो भी टाटा ग्रुप्स में है, TCS एंड टाटा एलेक्सी आर टू कंपनीज जो अच्छे प्राइस पे चल रही है। TCS इज़ अराउंड 33,000 एंड ये 8,000 से 9,000 के बीच में रेंज कर रहे हैं। TCS को भी 2-3 बार बोनस डिक्लेयर करके उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लाने की कोशिश की है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि टाटा एलेक्सी क्योंकि एक अच्छे प्राइस में आ चुका है तो नियर बाय कंपनी जो है उसमें बोनस या स्प्लिट डिक्लेयर करके एक अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ सकती है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़।